दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल आरोप पत्र में कहा है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दिल्ली हिंसा को हवा देने की साजिश रची थी ताकि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का विश्व स्तर पर प्रचार हो सके। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को आरोप पत्र पर विचार करने के लिए मंगलवार की तारीख तय कर दी है। अदालत मंगलवार को आरोप पत्र की कॉपी आरोपियों को देने और संज्ञान लेने के बारे में सुनवाई करेगी। अदालत में दिल्ली पुलिस ने रविवार को हिंसा की साजिश रचने के आरोप में खालिद के अलावा JNU छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में कहा गया है कि उमर खालिद एक साजिश के तहत 23 फरवरी को दिल्ली से पटना गया और 27 फरवरी को वापस लौटा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उमर खालिद ने अन्य आरोपियों के साथ चांदबाग में एक कार्यालय में बैठक भी की थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि सांप्रदायिक हिंसा एक सोची समझी साजिश थी जिसे उमर खालिद और अन्य दो लोगों ने अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने अदालत को बताया कि उमर खालिद ने कथित तौर पर दो अलग अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण भी दिए थे और नागरिकों से अपील की थी कि वे ट्रंप की यात्रा के दौरान सड़कों पर उतरे और रास्ते जाम करें ताकि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा सके। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।